काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया अभी तक आपने, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप लोगों ने एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को बड़ी डिटेल में समझा है। एंड दोज हु प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आर द पीपल हु बिकम सक्सेसफुल। सो गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक बिकॉज यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस, बट देर इज मोर टू लर्न। बहुत सारी और चीज़ें जो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कराते हुए साथ साथ सिखाएंगे। कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी हैं जो शायद आपको थोड़ी रेपिटेटिव लगें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप एक डीप लर्निंग मोड में जाके उन्हें सीखें। सो अगर आपने एक दफ़ा पहले उस चीज़ को ट्राई कर भी लिया है, वी वॉन्ट यू टू ट्राई दोज थिंग्स अगेन। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर यू पीपल is that you can either become an entrepreneur on WordPress, you can either become a freelancer, or you can become a smart worker. Entrepreneur kaun hota hai? Entrepreneur is someone who is solving a problem. Agar aap apne kisi customer ke liye ek problem solve karte hain using WordPress, then you are an entrepreneur. Freelancer kaun hota hai? Jo apni services ko time ke lihaz se payment leke uski रिन्यूमरेशन प्रोवाइड करता है, दैट्स अ फ्रीलांसर। सो यू कैन ऑल्सो बिकम अ फ्रीलांसर विद वर्डप्रेस। एंड द स्मार्ट वर्कर कैटेगरी इज फॉर ऑल ऑफ दोज आउट देयर जो कि एक जॉब करना चाह रहे हैं आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स इन अ सॉफ्टवेयर हाउस या किसी भी ऐसी कंपनी में जिधर वो अपनी वर्डप्रेस स्किल्स को सही तरह से यूटिलाइज कर सकें या उसका सही मानों में बेनिफिट दिखा सकें। Those are the smart workers. So, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं मेन्यूज के बारे में। What are the menus and how menus really work? So, ये मेन्यू क्या है? आप लोगों ने सुना होगा जब आप लोग कभी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के, यार मेन्यू तो ला दो। So, that's where you hear the word menu. मेन्यू क्या होता है? मेन्यू जिस तरह आप खाना ऑर्डर करते हैं या खाने का मेन्यू मंगवाते हैं, वैसे आपके पास उस मेन्यू में एक लिस्ट होती है कि मैं ये चीज़ ऑर्डर करना चाहता हूँ या मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ। इसी तरह मेन्यूज़ ऑन वेबसाइट्स आर बेसिकली लिंक्स। दे आर स्मॉल पीसेज ऑफ लिंक्स, और यू कैन कॉल देम ए स्मॉल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प यू स्ट्रक्चर दैट वेबसाइट। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका खाने का एक मेन्यू होता है तो वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। आपको पता होता है कि इस कैटेगरीज बनी होती हैं, आपको नज़र आ रहा होता है कि इस मेन्यू में क्या क्या और चीज़ें ऑफर हो रही हैं। इसी तरह यू कैन यूज़ मेन्यूज टू ऑर्गेनाइज कंटेंट एंड लिंक्स ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। और ये मेन्यूज़ आपको कहाँ नज़र आते हैं? Menus are usually the first thing that you see when you open a WordPress website. The menu links are on the top. Aapko top pe wo menu link nazar aayenge. Agar aapki theme custom menu ko support karti hai, to aap modify kar sakenge apne menu ko using the menu option. So most of the theme, as I told you, ki WordPress pe there are hundreds and millions of themes out there. हर टीम किसी न किसी तरह अलाउ करती है आपको कि आप उसमें किसी तरह का मेन्यू डाल सकें। सो एज आई सेड बिफोर कि अगर आपकी थीम कस्टम मेन्यू को सपोर्ट करती है तो यू विल बी एबल टू मेक मॉडिफिकेशंस टू द मेन्यू ऑप्शंस। और क्या करते हैं मेन्यू? व्हाट एल्स कैन मेन्यूज डू फॉर यू? मेन्यूज में लिंक्स होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। So those links can be to pages, those links can be to posts, those links can be categories, those links can be to custom links or any other type of content. Aap pe ye define karta hai ki aapne kaun se links apne menu mein dalne hai. It's up to you to decide.
It's up to you to define kis tarah ke menus aap apni website pe dalna cha rahe hain aur unki kya significance hai. I would like to give you abhi iske baad jab main aapko ek live leke jaunga to main aapko ek live form mein dikhaunga ki websites like mangobars.com khanmeter.com साथ ही साथ अगर आप कोई और वेबसाइट्स देख लें लाइक WCCF Tech, Pro Pakistani, TechJuice.pk, इनमें से कुछ साइट्स कैसे मेन्यूज़ को यूटिलाइज़ कर रही हैं. बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस लेसन इज़ फॉर यू टू लर्न हाउ यू कैन अपडेट मेन्यूज़. सो जिस तरह के मैंने आपको बताया मेन्यूज़ कैन कंटेन लिंक्स टू पेजेस, पोस्ट्स, कैटेगरीज, दे कैन ऑल्सो कंटेन लिंक्स टू कस्टम आपके जो लिंक्स हैं. और इसी तरह आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं और उसको दिखाना चाह रहे हैं, विजिबल करना चाह रहे हैं, तो वो मेन्यू होगी. मेन्यूज़ क्यों ज़रूरी हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया मेन्यूज़ आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी व्हेन दे ओपन योर वेबसाइट एंड दे आर अ वे टू कैटेगराइज कॉन्टेंट. इसीलिए मेन्यूज़ को स्टडी करना या उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. सो एडिंग अ मेन्यू वी विल गेट टू दैट बट a little bit else जो आपको menus के बारे में जानना है इसके sometimes you may have multiple menus आपके header में. Other times you may have menus which are located in sidebar or footer. WordPress से आपको ये option मिलेगी कि आप पे ये define करेगा कि आपने किस तरह का menu रखना है, क्यों रखना है. To add a menu you will hover over your cursor in the appearance menu and वहाँ से आप जाके एक नया मेन्यू ऐड कर सकते हैं. वी विल टॉक मोर अबाउट दिस बिकॉज राइट नाउ वी जस्ट वांट टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट मेन्यूज आर. सो इस तरह की जो आपको एक स्क्रीन नजर आएगी दैट इज द स्क्रीन वेयर यू कैन अपडेट योर मेन्यूज. सो लेट्स डू दैट. फर्स्ट आई विल गो टू प्रो पाकिस्तानी .pk एंड जैसे ये वेबसाइट खुलती है एंड आई टोल्ड यू दिस बिफोर एज वेल के मेन्यूज़ आर द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी व्हेन दे ओपन योर वेबसाइट. सो कुछ साइट्स में ये मेन्यू आपको टॉप पे नज़र आएंगे. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने इनके दो मेन्यूज़ हैं. सो यूजुअली देयर इज़ आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्राइमरी मेन्यू एंड अ सेकेंडरी मेन्यू. इनका जो प्राइमरी मेन्यू है जो इनके लोगों के साथ है दैट शोज़ द कैटेगरीज दैट दे हैव फ्रॉम टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, ऑटो, स्पोर्ट्स, लाइफ, अदर्स. साथ साथ इनका एक सेकेंडरी मेन्यू भी है. सेकेंडरी मेन्यू इज़ द वन ऑन द टॉप. इसको सेकेंडरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज़ सेकेंड इन टर्म्स ऑफ इट्स अपीयरेंस और इट्स इम्पॉर्टेंस. प्राइमरी मेन्यू आपका वो मेन्यू है जिसपे आप चाहते हैं कि लोग जाएं और सबसे पहले उसको देखें. सो ये एक एग्जाम्पल है. इसके अलावा हम beingguru.com जिसकी हमने बार बार एग्जाम्पल दी उसको देखना चाहेंगे. सो beingguru.com जब आप खोलेंगे तो यू विल सी के वहाँ पे भी देर आर मेन्यूज़ ऑन द टॉप जिसमें अबाउट का पेज है, फ्रीलांसिंग है, इंटरनेट है और इसी तरह की बाकी कॉन्टेक्ट अस पेज है. सो पेजेस एंड कैटेगरीज यूजुअली मेक अप दीज मेन्यूज़ टुगेदर. इसी तरह मैं एक साइट है टेक जूस उसकी भी एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा. techjuice.pk पे भी आप देख सकते हैं कि देर आर मेन्यूज़ ऑन द टॉप. टॉपिक्स हैं, मोबाइल प्राइसेस हैं. इन्होंने भी एक अपना प्राइमरी मेन्यू सिर्फ एक ही रखा हुआ है. स्पेशल फीचर्स हैं. सो दीज आर सम ऑफ द मेन्यूज़ जो डिफरेंट साइट्स पे. हमारी साइट पे भी इसी तरह एक मेन्यू है. तो जब मैं खोलता हूँ digiskills.saadhamid.000webhostapp.com तो आई कैन सी मेरे मेन्यू में होम नज़र आ रहा है, अबाउट नज़र आ रहा है और कॉन्टेक्ट अस पेज नज़र आ रहा है. इसका भी एक बेसिक सा मेन्यू है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि मेन्यू अपडेट कहाँ से होता है. सो विल गो टू द डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड में जाके आई विल लुक फॉर मेन्यूज अंडर अपीयरेंस एंड वहाँ पे आई हैव दिस मैजिकल प्लेस वेयर आई कैन अपडेट मेन्यूज. तो ये सारे आप मेन्यूज देख रहे हैं. वी विल बी टेकिंग अ डीप डाइव इन टू दिस. हम आपके साथ ये कुछ मेन्यूज़ एडिट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे और इनको ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड स्टे विद अस फॉर दीज लेसन्स बिकॉज आगे विल बी टीचिंग यू ऑन हाउ टू एडिट एंड अपडेट मेन्यूज़ एंड साथ साथ हाउ यू कैन ऐड समथिंग कॉल्ड मेगा मेन्यूज़.